आज हम एडोब फोटोशॉप में कैसे इमेज के ऊपर फायर इफेक्ट यूज़ किया जाता है, आज ये फोटोशॉप 7.0 में हम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड। आज ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आप लोग बिना स्किप करके वीडियो देखें। आप लोगों का इमेज के ऊपर जो इफेक्ट फायर इफेक्ट यूज़ किया जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोग बिना स्किप करके ये वीडियो देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करके। मैं बैकग्राउंड ब्लैक ही रखा है, ओके प्रेस करता हूँ। कस्टम साइज ही लिया मैंने, कंट्रोल ओ प्रेस करता हूँ। एक वहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ मैं, मेरा इमेज है वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, ये इमेज ले लेता हूँ। ओके, अब मैं ये टूल्स देख जो दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक करके मैजिक लासो टूल लेता हूँ और इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। देखिए मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ज़्यादा सिलेक्ट होने से मैं बैक स्पेस करके थोड़ा बैक किया, अब ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये टूल्स बहुत अच्छा सिलेक्शन करता है। अब मेरा सिलेक्शन हो रहा है धीरे धीरे, कंट्रोल डी, तो ख़राब हो गया सिलेक्शन, दोबारा करना पड़ेगा। थोड़ा तो स्पीड से कर लेते हैं। देखिए सिलेक्शन हो गया मेरा, थोड़ा तो आप जब मूव करें माउस ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेरा सिलेक्शन हो गया, डबल क्लिक करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। इसको पूरा छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट प्रेस करके इतना तक ले आता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना तक लेता हूँ। ओके एंटर प्रेस करता हूँ। अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ, ये जो इमेज दिखाई दे रहा है इसको सिलेक्ट करूँ, बैकग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ई प्रेस करके ये लिंक कर देता हूँ। अब इमेज पे जाता हूँ, रोटेट करता हूँ 90 डिग्री, सी सी डब्ल्यू करता हूँ। दोबारा फिल्टर पे जाता हूँ, स्टेलाइज वाइन यूज़ करता हूँ। ओके देखिए यहाँ पे कुछ फायर निकल रहा है। अब कंट्रोल एफ प्रेस करने से एक दो बार आप लोग ऐसे मार सकते हैं, ऐसे फायर निकल आएगा। दोबारा मैं इमेज पे जाता हूँ, रोटेट 90 डिग्री, सी डब्ल्यू करता हूँ, यह हो गया मेरा। अब फिल्टर पे जाता हूँ, लिक्विफाई कर, फिल्टर लिक्विफाई, वहाँ पे ब्रश साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना तक ले लिया हूँ। अब इसे मैं धीरे धीरे ऐसे फायर जैसा इफेक्ट बनाऊंगा। देखिए ऐसे ऐसे करके फायर निकल रहा हूँ, ऐसे निकलना है फायर, बीच में से आप लोग ले सकते हैं, इसे ऐसे ऐसे निकलना है, आप लोगों का मर्जी, बीच में से आप लोग ऐसे निकल सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे फायर निकलना है, इतना तक ले लिया मैं ऐसे। ऐसे फायर निकलना है, ये कैसे निकलना ये मैं दिखाई दे रहा हूँ, बाकी आप लोगों का मर्जी, आप लोग कैसे हैं जैसे मर्जी ऐसे कर सकते हैं, कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। मैं ऐसे करके कुछ स्टाइल दे रहा हूँ, देखिए ये होगी। अब ओके प्रेस करता हूँ, ये हो गया मेरा। ये देखिए वहाँ पे जाता हूँ, ह्यू एंड सिचुएशन पे जाता हूँ, इसको टिक मार कर देता हूँ, ये 100% करता हूँ। ऐसे आप लोग कर सकते हैं,
तक ले लिया मैंने, इतना तक लिया। ओके प्रेस करता हूँ, दोबारा इस पे जाता हूँ, यूज एंड सिचुएशन पे जाता हूँ, ये माइनस मैं 70 करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, हो गया मेरा अभी। ओवरले पे प्रेस करके ये देखिए कुछ ऐसा इफेक्ट आया हुआ है, आप यहाँ तक कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि कोई और एक स्टाइल दूँ तो मैं इसे मान लीजिए राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और पे टाइटल पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके इसको मैं साइड पे रखा, ये हो गया एक। अब मैं क्या करता हूँ, कोई और दूसरा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ इस फायर के लिए। अब मैं क्या करता हूँ देखिए, इमेज पे जाता हूँ, मोड यूज़ करता हूँ, ग्रे स्केल यूज़ करता हूँ। ओके दोबारा इमेज पे जाता हूँ, मोड यूज़ करता हूँ, इंडेक्स कलर सिलेक्ट करता हूँ। ओके दोबारा इमेज पे मोड एंड कलर टेबल यूज़ करता हूँ, और वहाँ से मैं बॉडी ब्लैक कर देता हूँ। देखिए ओके प्रेस करता हूँ, इमेज मोड एंड आरजीबी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके अब देखिए ये एक और एक स्टाइल है। अब मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, ये जो पहले जो फोटो था मेरा, इसको कंट्रोल टी प्रेस करके मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको इतना तक ले लेता हूँ। इतना तक लिया मैंने, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इतना तक थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसे मैं इसको एडजस्ट कर लिया, देखिए एडजस्ट हो गया। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई या मैं नॉर्मल कर सकता हूँ, वहाँ से ऊपर ले भी कर सकता हूँ। अगर आप लोग चाहें कि वहाँ पे कलर दें, राइट क्लिक करके ब्लाइंडिंग ऑप्शन पे जा सकता है, या वहाँ पे इफेक्ट भी जा सकता है। देखिए पे गार्डियन ओवरले यूज़ करता हूँ मैं, इसको थोड़ा साइड पे रखता हूँ। ये देखिए वहाँ पे क्लिक करके मैं मान लीजिए ये कलर लिया, ये कलर लिया मान लीजिए, ओके प्रेस करता हूँ, इसको वहाँ से मैं ओवरले प्रेस करता हूँ, वहाँ पे राइट क्लिक जस्ट लेफ्ट क्लिक किया, ये जो कलर सिलेक्ट करता हूँ मैं, वहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ। देखिए वहाँ से ब्लैक आ रहा है, और वहाँ से मैं इसको येलो कर देता हूँ, येलो। ऐसे कुछ इफेक्ट आपको खुद क्रिएट कर सकते हैं। देखिए ओके प्रेस करके इसे मैं कर सकता हूँ। अगर आप चाहें कि नॉर्मल रखें, नॉर्मल भी रख सकते हैं, सॉफ्ट लाइट भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए दोनों फोटो में इसको मिनिमाइज करता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये एक है और ये एक फोटो, जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप लोग कर, मैं दोनों स्टाइल आपको दिखा दिया, जो भी डिज़ाइन अच्छा लगे आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऐसे इमेज पे ऊपर फायर इफेक्ट यूज़ किया जाता है। वीडियो अच्छे लगे लाइक और शेयर ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।